लोकसभा चुनावों के लिए अंतिम चरण के चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार तेज कर दिया है। धूमल ने लाहलड़ी में आयोजित नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए चारों सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। धूमल ने कहा कि चुनाव का अंतिम चरण में लोगों के उत्साह को देखकर बीजेपी की जीत रिकॉर्ड मतों से होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अनुराग ठाकुर को बड़ा नेता बनाने वाले बयान पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वे उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस बिना वजह से बयानबाजी कर रही है। धूमल ने कहा कि राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है और कांग्रेस में हुए बड़े घोटालों बोफोर्स अगेंस्ट ऑफ बेस्टलैंड पंडुबी जैसे पुराने घोटालों को दबाने के लिए कांग्रेस बिना वजह से राफेल के मामले पर शोर कर रही थी, लेकिन जनता अब सब जान चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं यूपी के प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। पूरे देश के अलावा सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की लहर है और इस बार उत्तर प्रदेश में लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और अन्य मुद्दों से ऊपर उठकर लोगों ने विकास को वोट दिया है। इस बार लोगों ने मोदी को वोट देने का मन बनाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 6 चरणों में पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है और आने वाले 7वें चरण में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा। जेपी नड्डा ने हिमाचल की जनता से भी अपील की है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करें और 4 में से 4 सीटें भाजपा को जिताकर केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाए ताकि हिमाचल प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। इससे पहले जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं जेपी नड्डा ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के पक्ष में जोरदार चुनाव अभियान शुरू किया। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में घुमारवीं के पनियाला के युवक श्यामलाल ने पुलिस प्रशासन पर दूसरी पार्टी के साथ मारपीट तथा अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा है, लेकिन पुलिस के पास जब वे न्याय लेने की आस से पहुंचे तो उल्टे पुलिस ने न सिर्फ उन्हें डराया धमकाया बल्कि मारपीट भी की। उन्होंने कहा कि वे मानसिक तौर पर पुलिस के ज्यादतियों से परेशान हो चुके हैं तथा यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे सार्वजनिक तौर पर आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस शिकायत की प्रतिलिपियां उन्होंने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार और डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेषित कर दी है। पत्रकार वार्ता के तुरंत बाद श्यामलाल मीडिया कर्मियों के साथ एसपी बिलासपुर के कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसएसपी अशोक कुमार ने बड़े इत्मीनान से पीड़ित व्यक्ति श्यामलाल की शिकायत सुनी तथा मीडिया के समक्ष पूरी शिकायत का फलोपन भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि उनके पास जो श्यामलाल की शिकायत आई थी उसमें पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादती का कोई विवरण नहीं है, जबकि जो पति और पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था के बारे में शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा की गई जांच से भी अवगत करवाया गया। श्यामलाल ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ
उनका विवाद चल रहा है तथा इस बाबत थाना घुमारवी में न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन थाना प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल ने उनके साथ मारपीट की और इतना अभद्र व्यवहार किया कि जिस कारण मानसिक तौर पर परेशान है। उन्होंने कहा कि जब थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उनके घर आए तो उनके बुजुर्ग माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एसएसपी बिलासपुर को जांच प्रभारी बनाया गया है तथा शीघ्र ही मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 205 पर स्वारघाट आरटीओ बैरियर के समीप बस और ट्रक सड़क दुर्घटना में बस व ट्रक चालकों के साथ साथ चार लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि एचआरटीसी की हिमगौरव वोल्वो बस मनाली से दिल्ली जा रही थी और ट्रक शायद खाली था और किरतपुर से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। बस चालक के नियंत्रण खोने से ये हादसा हुआ जिसमें बस व ट्रक चालकों के साथ साथ चार लोग घायल हुए हैं। घायल हुए व्यक्तियों का स्वारघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया गया। स्वारघाट के एएसआई सहदेव दत्त ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।